जय हिंद फ्रेंड्स, आपका ई एजुकेशन पत्रिका में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किन्हें ये पुरस्कार मिला है, किस कार्य के लिए इनको दिया गया है, पिछला जो 2023 का पुरस्कार था अर्थशास्त्र के अंदर वो किसे मिला है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जो 2024 का है वो डार्विन, असेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। और इनका कार्य क्या था, किस कार्य के लिए मिला है, तो किसी देश को अमीर या गरीब बनाने में यूरोपीय उपनिवेशवाद की भूमिका पर शोध किया था इन्होंने, इसके ऊपर मिला है। जो जिन देशों के अंदर, राज्यों के अंदर अभी भी तानाशाही जैसे और नियम लगाए जाते हैं और उनके साथ अत्याचार किया जाता है जिन वहाँ की नागरिकों के ऊपर, तो वो देश अभी भी विकसित नहीं हुए हैं, ऐसा इन्होंने शोध में पाया है। और फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनको हमने इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाया है हमारी तरफ से जो डिटेल है नोबेल पुरस्कार के बारे में इकोनॉमिक्स के, तो वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। डार्विन असेमोग्लू ये तुर्की मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। साइमन जॉनसन ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और जेम्स रॉबिन्सन ये ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। और अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल की स्थापना जो की गई थी वो स्वीडन का केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक है, इसने की थी। और अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार जो 2023 का है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन को मिला था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।